देखो अरे बस ठीक है कोई बात नहीं मार रहे तो तुम भी मार दो बेटा बात नहीं पीछे तो आज का ज्ञान क्या है समझे एक नंबर में एमसीक्यू जिससे आते सॉल्व हो जाते हैं एक नंबर की अगर मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया है बस बस बात मत करो इधर देखो आपको एक सर्कल दे रखा है और आपसे कह रहा है कि दो टेंजेंट आए ओशियन एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इसने ड्रॉ किए एक सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ तो अनुभव यहां पे आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाले हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है मैं इनको दो मिनट के लिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि बेटा दो एंगल्स की बात हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ए पी बी कौन सा है देख लिया ए पी बी ये वाला और ये वाला एंगल ए ओ बी दोनों का सम हमेशा 180 आएगा अब इसका ओरली आप डेरिवेशन सुन लीजिए मतलब प्रूफ सुन लीजिए कैसे नीरज ये ए पी बी ओ क्या है क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बेटा ये 90 होगा और ये भी 90 क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस तो इसमें कोई शक नहीं है 90 और 90 180 चले गए 360 में से तो इन दोनों का सम कितना बचा 180 तो इन दोनों का सम 180 बोले इसमें कौन सी बड़ी बात थी बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपसे बिल्कुल सेम लैंग्वेज देगा इफ देयर आर टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O और आपसे वहां पे बोलेगा इफ एंगल APB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री देन फाइंड एंगल AOB कितना आ जाएगा बेटा 100 आ रहा है ओरली आ रहा है क्योंकि आपको इसका रिजल्ट याद है कि इसने ये वाला दिया और ये वाला हमसे पूछ रहा है फिगर रफली बना के देखेंगे अच्छा वो एमसीक्यूज में देगा लिखने का कोई एडिक नहीं है वहां तीन चार ऑप्शन होंगे 40 60 80 100 जो भी है तो आपको क्या लगाना है 100 तो ये आज का ज्ञान था कि आपको ये स्पेशली नोट करना है एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू से बनता है तो आज के ज्ञान की समाप्ति जय हो।